वीडियो में स्वागत है आपको टॉप 5 स्मार्टफोन चैनल जो अंडर 20 सब्जेक्ट के अंदर आते हैं जहाँ आपको पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा। उसके साथ ही आपने कुछ क्राइटेरिया सेट किया जहाँ पर आपको 5G का सपोर्ट मिलेगा, 128 की डिस्प्ले मिलेगी, बढ़िया प्रोसेसर मिलेगा। उसके साथ ही 6GB रैम 128GB की स्टोरेज मिलेगी जहाँ आपको 48MP का प्राइमरी कैमरा मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत ही बड़ा पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलेगी। आपको बजट है 20,000 और आपको बड़ा सा एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए, उसी के साथ आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया चाहिए और कैमरा भी OIS 7 आता है। ये स्मार्टफोन है मोटोरोला का G82 5G जो अंडर 20,000 के अंदर आने वाला बहुत ही बड़ा स्मार्टफोन है जो आपको 6.67 की FHD+ की एक OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, आपको 5 कलर देखने को मिलती है और व्यूइंग एंगल भी बहुत ही बढ़िया है। बात करें स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी की तो आपका 50MP का OIS कैमरा आता है, इस प्राइस के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन हो जाते हैं। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 5000 mAh की बड़ी बैटरी है और स्नैपड्रैगन 695 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन में आपको 6GB 128GB स्टोरेज की वेरिएंट के लिए आपको तो अंडर 20,000 के अंदर आप सैमसंग का स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो आपको बड़े स्पेसिफिकेशन देखने को मिले तो सैमसंग गैलेक्सी 14 5G आप परचेस कर सकते हो जो हाल ही में लॉन्च हुए हैं। यहाँ पर आपको 113 देखने को मिलता है जहाँ पर 1Y Core 5.0 OS देखने को मिलता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, 4GB की रैम देखने को मिलती है, उसके साथ ही 64GB की स्टोरेज है। बात करें स्मार्टफोन की डिस्प्ले की 6.6 इंच की FHD+ LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है जहाँ पर आपको 20:9 रेजोल्यूशन। बात करें कैमरा क्वालिटी की जहाँ पर 50MP का ट्रिपल रियर सेंसर है, जहाँ पर 2MP का डेप्थ सेंसर है, 2MP का मैक्रो कैमरा है, 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है, जहाँ आपको 20W का आउटपुट चार्जर है। बात करें स्मार्टफोन के प्रोसेसर की तो Exynos 1330 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। प्राइस की बात करें तो 18999 में स्मार्टफोन आपको 6GB 128GB के साथ अमेजन पर अवेलेबल 20,000 के अंदर हमारा रियलमी का बेस्ट स्मार्टफोन रियलमी 10 प्रो, जहाँ पर आपको 6.72 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है, जहाँ पर आपको 0.20Hz का रिफ्रेश रेट है, उसी के साथ ही स्नैपड्रैगन 695 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है, 5000mAh की बड़ी सी बैटरी, उसके साथ ही 33W का फास्ट चार्जर, 108MP आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको अच्छी खासी फोटो क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन में आपको Realme Mi 4.0 है। उसी के साथ इस स्मार्टफोन की प्राइस की बात करें तो 18999 में फ्लिपकार्ट पर आपको मिल जाएगा। तो अंडर 20,000 के अंदर ब्रांड का स्मार्टफोन लेना है तो वन प्लस का, तो आप वन प्लस नॉट सी 2 लाइट को परचेस कर सकते हो। इधर आपको 6.5 इंच की बड़ी सी डिस्प्ले देखने को मिलती है, यहाँ पर 1/240 का टच सैम्पलिंग रेट है, 64MP का आपको यहाँ पर ट्रिपल रियर सेंसर देखने को मिलता है, 16MP का सेल्फी कैमरा, 5000mAh की बड़ी बैटरी है, 33W का फास्ट चार्जर है, स्नैपड्रैगन 695 का बहुत ही पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर है और इस स्मार्टफोन में आपको 1TB एक्सटेंडेबल स्टोरेज मिलते हैं और Exynos OS 12.1 के साथ ये स्मार्टफोन आता है। बात करें प्राइसिंग की तो ये अंडर 20,000 के अंदर आपको जियो मार्ट पे मिल। तो दोस्तों अंडर 20,000 के अंदर आपको एक रेडमी का स्मार्टफोन चाहिए तो आप रेडमी नोट 12 5G का परचेस कर सकते हो। इस प्राइस के अंदर हमारा वो वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है जहाँ पर 6.67 इंच की FHD+ डिस्प्ले, जहाँ आपको 120Hz का रिफ्रेश के साथ आती है, जहाँ पर सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलता है। बात करें स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी का तो आपका 48MP का ट्रिपल रियर सेंसर है, उसी के साथ आपको 13MP का यहाँ पर सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है जहाँ पर आपको अच्छी खासी आप फोटो क्लिक कर पाओगे। बात करें इस स्मार्टफोन की बैटरी कैपेसिटी की तो आपको 5000mAh की बड़ी सी बैटरी देखने को मिलती है, 33W का आउटपुट चार्जर है, स्नैपड्रैगन 4Gen 1 का प्रोसेसर है। बात करें स्मार्टफोन की प्राइसिंग की तो ये आपको 6GB 128GB 20,000